Judges, audience, get ready for our Jodi. Our Pakistani Jodi is coming up on stage to make you roll with laughter. Lal Bacha and Safed Khan are here. Sikandar Saram and Wali Sheikh. They're the best in the world. Chatru Bhai, Sidhu Bhai. बपीदा अस्सलाम वालेकुम। वैसे मेरा दोस्त लाल बादशाह पता नहीं कहाँ रह गया। नहीं, गाँव गया हुआ है वो, तो अभी तक आया नहीं। कहाँ रह गया, ये क्यों नहीं आ रहा? अबे सफेद खान, अबे सफेद खान, अस्सलाम वालेकुम। सिद्धू जी अस्सलाम वालेकुम, शत्रु जी अस्सलाम वालेकुम, बप्पी जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको 15 अगस्त मुबारक हो, और आपको आपको भी 14 अगस्त मुबारक हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं पाकिस्तान को भी ये कहना चाहूंगा कि 14 अगस्त मुबारक हो। आज तो बपीदा आए हुए तो है यार, मैं बपीदा बन सकता हूँ? अबे चल बे, ऐसे शेर कभी कभी पैदा होते हैं और ऐसे गधे हर 5 मिनट बाद हो रहे होते हैं। वैसे इन सब बातों को छोड़, हाँ? ये बता कब आया? मैं 32 साल हो गए। तो अबे गांव से कब आया यार? अच्छा गांव से तो अभी अभी आया हूँ। अभी आया? हाँ। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अबे तकलीफ किस बात की, चाकू पे बैठ के आया हूँ क्या? अबे मेरा कहने का मतलब है कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी काहे की, मैं क्या रेलगाड़ी को धक्का मारता हुआ आया हूँ? इतना बेवकूफ आदमी है, कल कब्रिस्तान में चला गया, सारी कब्रें खोदनी शुरू कर दी। मैंने बोला भाई कब्रें क्यों खोद रहा है, तो बोल रहा है हमको आजादी मिली है, इनको भी आजाद करो। इतना बेवकूफ आदमी है, कल इसके घर में डाकू आ गए, डाकू ने बोला हम घर लूटने आए लेकिन आज बंदूक लाना भूल गए, तो बोल रहा है मुझे आप पर भरोसा है, आप घर लूट लो लेकिन कल आगे बंदूक दिखा जाना भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी इतना जाहिल आदमी है, कल एक औरत, अंग्रेज औरत, फर्स्ट फ्लोर पर किताब पढ़ रही थी। अच्छा। उसकी किताब नीचे गिरी इसके पास, तो देख के किताब बोली ओ माय बुक, तो सो के लाए थल्ले आके चुक। ये भी इतना बड़ा बेवकूफ है, मैंने इससे पूछा भाई तेरे अब्बा क्या करते हैं? बोल रहा बहुत बहादुर है, एक दफा मेरे अब्बा 24 घंटे पानी में रहे। मैंने बोला उसके बाद? तो बोल रहा लाश ऊपर आ गई। वैसे यार इन सब बातों को छोड़ो, मैंने सुना है तूने गांव में शादी कर ली। अबे शादी हो जाती लेकिन गलती हो गई मुझसे। क्या हुआ? अबे काजी साहब पढ़ा रहे थे निकाह गलत। हा? मैंने बोला भाईजान आप निकाह गलत पढ़ा रहे हो, आप बैठो मैं निकाह पढ़ाता हूँ। अपनी बीवी की डोली को कंधा दे के घर आ गया। वैसे यार इन सब बातों को छोड़, ये बताओ गांव के क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अबे वो नहीं है करमू? हाँ। अबे उसने क्या बेवकूफी की? क्या? साइकिल के बदले अपनी बीवी दे दी। अरे बड़ा ही जाहिल आदमी है। कसम से साइकिल के बदले बीवी दे दी? बीवी। तू होता क्या करता? मैं इतना बेगैरत हूँ जो साइकिल के बदले बीवी दे दूंगा? हाँ मेरा दोस्त। कम से कम कार तो हो। वैसे यार गाँव के चौधरी भी अजीब होते हैं? नहीं अजीब क्या होते, उनके मुंह पीछे होते हैं क्या? नहीं यार अजीब क्या होते, ऐसे ही होते जैसे हम है? नहीं यार खूब होते। हाँ। चल यार आज चौधरी चौधरी खेलते। चौधरी चौधरी? हाँ ठीक है। तू हाँ। एक चौधरी बैठा हुआ। हाँ। दूसरा चौधरी आता है। तू चौधरी है? हाँ तो क्यों? अबे तुझसे तगड़ा तो चौधरी का हुक्का होता है। चल चल ठीक है बैठ जा, आ रहा हूँ मैं। चलो आया चौधरी, आ जा भाई चौधरी, आ रहा चौधरी बैठा। और भाई चौधरी। हाँ भाई। क्या हाल है? बस ठीक है। ठीक है। हाँ जी सुना है तुम्हारी बहन जवान हो गई? हाँ यार वो तो है। मेरा बेटा भी जवान हो गया। तो उसकी शादी कर। तो तेरे पास क्या आम लेने आया हूँ? वैसे यार चौधरी। हाँ। एक बात बता। हाँ बोल बोल। यार मैंने सुना है कल तेरी बीवी से तेरा झगड़ा हो गया था। अरे ऐसा वैसा झगड़ा चौधरी, खाने में हो गया नमक ज्यादा। अच्छा। मैं तो गरम आदमी, तुम्हें पता है गुस्से वाला आदमी, मुंह से गाली निकल गई। कहने लगी भाई तुमने मुझे गाली दी है, मैं अपने भाई को बुलाऊंगी। क्या बोली? मैं अपने भाई को बुलाऊंगी। बुला अपने भाई को, बुला अपने भाई को, बुला अपने भाई को, बुला अपने भाई को, बुला अपने भाई को। ये
बात हुई है फ्राइडे वाले दिन, आ जा। दूसरे दिन क्या हुआ? क्या भाई? मेरी बीवी का भाई आ गया। अच्छा, बोला भाई तूने मेरी बहन को दी है गाली, मैं तो मारूंगा तुझे छुरिया। क्या बोला? मैं तो तुझे मारूंगा छुरिया। मार छुरी, 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 मार। और बन बेटा चौधरी तू। ये बात हुई है सैटरडे वाले दिन, आ जा। अबे मत बन चौधरी। आ जा। लो भाई मेरा साला जो पिटा है उससे, उसके बाद आ गया मेरा सुसर। कहने लगा भाई तूने मेरी बेटी को गाली दी, मेरे बेटे को मारा, मैं तो मारूंगा तुझे गोलियां। क्या बोला? क्या बोला? सुसर बोला मैं मारूंगा गोलियां। क्या बोला? लो भाई सिद्धू भाई मुझे बड़ा गुस्सा आया कि दामाद बोल रहा है और सुसर चुपचाप बैठा हुआ है। अबे चल बे चल, मैं दिल्ली की बस में बैठ गया। दिल्ली की बस में बैठा? हाँ। पढ़ा लिखा है? हाँ। जाहिल के बच्चे, ये अहमदाबाद की बस है। ये कहाँ बैठा? आगे वाली सीट पर। बहुत अच्छे, तो फिर ड्राइवर कहाँ बैठेगा भाई? वैसे सिद्धू भाई एक सवाल मुझे भी करना है। मैंने बोला था मत बन चौधरी। मेरे को भी एक बंदे से कर्जा लेना था तो ले ले, मैंने क्या रोका हुआ? क्या बोतल दियो? काय के लिए? काम है। अबे छोड़ा यार, क्या रखा है इसमें? अबे दे बोतल भाई। मैंने जिसके पास कर्जा लेने था मैं उसके पास गया। हाँ। और मैंने उसको बोला हाँ। मेरे पैसे वापस कर। अच्छा। तो उसने बोला नहीं करूंगा। क्या बोला? क्या बोला? क्या अबे क्या बोला? क्या बोला? क्या वैसे? अबे कर्जा वापस नहीं करूंगा। इसमें फड्डा करने वाली क्या बात है यार, घर पे आके पैसे ले लेना, खत्म बात। जजेस, आपको नहीं लगता कि हमारी जोड़ी का तालमेल बेहतर होते जा रहा है? देखिए, जोड़ी का तालमेल तो बेहतर होता जा रहा है, जरूर महसूस हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी महसूस हो रहा है कि आपका और बप्पी लहरी का तालमेल कुछ बढ़ता ही जा रहा है। आप जो बातें कर रही हैं मुझसे, वो दरअसल मुझसे नहीं कर रही, ना करना चाहिए। कर आपको कह रही हूं। उसे कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। जरूर जरूर। हे तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा तम्मा लोगे तम्मा।